ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। इन पांच लोगों की भगवान बहुत सुनते हैं। इन पांच लोगों की भगवान हर मनोकामना, हर चीज़ें पूरी करते हैं। ये पांच लोगों में कुछ विशेष गुण होते हैं दोस्तों। उन गुणों को अगर आप पहचान लेंगे या उन गुणों को अपने अंदर आप विकसित कर लेंगे तो शायद मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें तो करते हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं, लेकिन इन बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और इन चीज़ों को भूल जाने की वजह से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपकी हर मनोकामना, हर चीज़ें बहुत जल्द ईश्वर पूरी करे। दोस्तों, आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जो आपका मन हो लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो निरंतर अपने मन में शिव का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छा बुरा, कैसे भी दिन चल रहे हो, सुख दुख, वो केवल अपने मन में ओम नमः शिवाय की धुन चलती रहती है। दूसरे वो लोग जो लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि शिव शक्ति है और जो शक्ति का सम्मान करता है, चाहे उसमें महिलाएं, पुरुष हो, कोई भी हो, वहाँ शिव बिना मांगे चीज़ें देता है। और तीसरी बात, वो लोग जो शिव से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि शिव को सब पता है आपके बारे में, आपको क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं, और वो आपको बिना मांगे चीज़ें देगा। ये निजी अनुभव है मेरा और कई सारे लोगों का अनुभव है, इसलिए हमेशा याद रखें। चौथी बात है, शिव सकारात्मकता में है, नकारात्मकता में नहीं है, इसलिए जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखें, सकारात्मक बातें सोचें और सकारात्मकता में ही जीवन जिए। और पांचवी जो है, गुरु मंत्र, शिव को अपना गुरु माने, गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय जप करें। ओम नमः।